गौमांस विवाद को लेकर गुड़ विधायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, उचित कार्रवाई न होने का लगाया आरोप। पिछले दिनों रीवा शहर के कचरा डंपिंग यार्ड कुष्टा से कचरा फेंककर वापस आ रहे ट्रैक्टर से मांस बरामद होने को लेकर उपजे विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा है। बजरंग दल के लोग इसे गौमांस से जोड़कर विरोध जता रहे हैं, वहीं कांग्रेसी इसे बगैर उचित जाँच के गौमांस बताने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है मांस की जाँच होनी चाहिए, वह जिंदा जानवर, मृत जानवर या किसका है, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस कप्तान जांच सही दिशा में होने की बात कर रहे हैं। 19 तारीख की रात को कुष्टा ग्राम पंचायत के पास एक नगर निगम के ट्रैक्टर में तीन बोरे बंद थे, जिसमें मांस थी और जानवर के चमड़े थे। जनता ने पकड़ा और पकड़ के पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया कि ये मांस किसकी जा रही, कहां से जा रही, चमड़े ये कहां से निकाले जा रहे हैं, इस बात की जांच होना चाहिए। गांव वालों की शिकायत और कांग्रेस पार्टी, फिर उन गांव वालों के साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी सब लोग गए और वहां CSP और SDOP से बातचीत हुई कंट्रोल रूम में, और उस पर से उन्होंने एक अपराध कायम किया। अपराध उन्होंने कर लिया 5/9 गौमांस के तहत कोई एक अपराध पंजीबद्ध होता है, जबकि हम लोगों ने कहा था कि अवैध मांस है ये, गलत तरीके से ये मरे हुए जानवरों के मांस निकाल के बाजार में बेचे जा रहे हैं, ये एक अपराध है। लेकिन एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए पुलिस ने स्वमेव गौमांस के तहत एक अपराध पंजीबद्ध कर लिया, जिसकी शिकायत हम लोगों ने गौमांस की नहीं की, हमने मांस की शिकायत किया कि ये किसी भी जानवर की मांस हो सकती है, इवन इंसान की हो सकती है, इसकी जांच होना चाहिए। तो हमारी ये आपत्ति थी कि भाई आप लोगों ने इसको गौमांस दे के कह के और एक सांप्रदायिक रंग देने का क्यों प्रयास किया है आपने, ये बात गलत है। इसमें IPC के तहत जो और अपराध पंजीबद्ध होने चाहिए, वो भी अपराध पुलिस ने पंजीबद्ध नहीं किया। देखिए, ये अभी जो है कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अभी हाल ही में जो है ट्रैक्टर में कुछ चमड़ा और कुछ मांस मिला था, जिसको लेकर के उन्होंने आज उस प्रकरण को लेकर के उससे मुलाकात की है, उस प्रकरण के संबंध में जानकारी चाहिए। इस मामले में गोवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 और 9 के अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपी इसमें फरार हैं, प्रकरण अनुसंधान में है।